तो क्या हालचाल भाई लोग, स्वागत है थैनोस की थर्ड की वीडियो में। आज हम चाइना के बड़े प्यारे से मॉन्स्टर के बारे में बात करेंगे, जिसे देख के तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। तो फिल्म का नाम मॉन्स्टर हंट है, जो 2015 में रिलीज हुई थी और ये एक फैमिली एडवेंचर वाली फिल्म है। लेकिन इसमें जो कॉमेडी है वो भाई मुझे काफी तगड़ी लगी। फिल्म में कुछ भी ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, जिससे तुम लोग इसे जैसे चाहो वैसे कहीं भी देख सकते हो, देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली फिल्म मॉन्स्टर्स वाली है, लेकिन जो मॉन्स्टर है वो सब्जियों जैसे दिखाए गए है, और जो मेन मॉन्स्टर है वो भाई उसे देख के तुम्हें उससे इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा कि पूछो मत। मतलब भाई इतना क्यूट मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अगर स्टोरी की बात करें तो इंसानों के बीच और मॉन्स्टर के बीच में अच्छे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं होते। उसी बीच मॉन्स्टर के राजा को एक बेटा होता है और भविष्यवाणी करते है कि वही इंसानों के बीच में और मॉन्स्टर्स के बीच में शांति लाएगा, साथ में उसी के वजह से इंसान और मॉन्स्टर साथ में रह पाएंगे। लेकिन उसका जन्म होने से पहले ही कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स क्वीन मॉन्स्टर पे वगैरह हमला करते हैं, जिससे उन्हें इंसानों के बीच में छुपना पड़ता है, जहाँ पे उनकी मुलाकात टियान यिन और ज़ाओलान से होती है। अब वो छोटा मॉन्स्टर कैसे जन्म लेता है, इंसान मॉन्स्टर के साथ क्या क्या कांड करते हैं, या मॉन्स्टर ही इंसानों की बचत है, वही सब कुछ जानने के लिए भाई तुम्हें ये वाली फिल्म देखनी पड़ेगी। देखो भाई फिल्म मुझे काफी तगड़ी लगी और हिंदी में अवेलेबल है, तो भाई देखने में काफी मजा भी आया। यहाँ पे मॉन्स्टर्स की और इंसानों की अलग ही दुनिया दिखाई गई है, जहाँ पे थोड़े जादू टोना मतलब फंटेसी वाले सीन वगैरह भरपूर देखने को मिलेंगे, जिन्हें देख के भाई तुम्हें मजा भरपूर आएगा। यहाँ पे कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल चीजें भी बहुत दिखाई गई है, लेकिन इमोशनल ड्रामे में भी तुम्हें कॉमेडी देखने को मिलेगी। वैसे सिर्फ कॉमेडी ही नहीं है इसमें, कुछ कुछ सीरियस वाले सीन भी है, जिससे फिल्म देखने में मजा आता है। थोड़ा बहुत सस्पेंस वगैरह भी जरूर है, तो भाई आगे क्या होगा वो सोचने पे तुम लोग थोड़ा ही सही लेकिन सोचोगे जरूर। यहाँ पे तुम्हें बड़े प्यारे प्यारे मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे और थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलेगा, जिससे भाई 2 घंटे तो बोरियत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। फिल्म में तुम्हें मॉन्स्टर वाली दुनिया के दर्शन होंगे, जिसमें तुम्हें तगड़ी कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा इमोशनल ड्रामा और कुछ कुछ एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो भाई तुम्हारा 1.5 GB डेटा और 2 घंटे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। तो जैसे भी जमते वैसे इस फिल्म को देख सकते हो। अब मैं भी जा रहा हूँ मॉन्स्टर वाली दुनिया की खोज करने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।